डब्लू एन टी वी के लिए मैं पाकिस्तान से आपका हो शाहबैन सियालवी और वी आर लकी इन इस वक्त तो हमारे साथ बहुत ही डिस्टिंगश शख्सियत मौजूद हैं मेरी मुराद है जनाब वी सी पंजाब यूनिवर्सिटी उनसे बात करते हैं जी सामकम सर जी वाईक साम सर सबसे पहले तो गुजराव में आने पर हम आपको पी यू जी सी की तरफ से तो आपको बहुत बार वेलकम कहा गया है तो मीडिया की तरफ से भी आपको वेलकम जी बहुत शुक्रिया आपका अच्छा सर ये फरमाइए कि आपका जो एरिया है रिसर्च का वो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन जी इसमें सारा एज अ मीडिया पर्सन एज अ मीडिया प्रैक्टिशनर मैंने जो देखा कि हम मिस इन्फॉर्मेशन की बात तो करते mm -hmm. हैं डिसनफॉर्मेशन mm -hmm. की बात करते हैं एजेंडा सेटिंग की बात करते हैं लेकिन सर uh, यू नो हरारी की मैंने एक बुक पढ़ी mm -hmm. उसमें उसका पहला ही जो जुमला था ना तो उसका वो मुझे बड़े कैचे लगी तो मैं आपसे उस बारे में रहनुमाई लेना चाहता था ताकि हमें मीडिया वालों को पता चले दैट वॉज़ अबाउट द इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन तो उसका जुमला ये था द वर्ल्ड इज़ इन डेलीज विध द इिवेंट इन्फॉर्मेशन जी और मैंने इन डेलीज का लफ्ज डिक्शनरी से कंसल्ट किया तो वो उसका मतलब तूफान नू का पानी तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट के सर हमें हम तो उसमें अभी घूमना है कि मिस इंफॉर्मेशन या डिसफॉर्मेशन व्हाट्स यू योर टेक ऑन इलिवेंट इन्फॉर्मेशन जी देखें जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट है ना ये आज के दौर में क्यों ज़्यादा मशहूर हो गए हैं या क्यों ज़्यादा मसला बन गए इंसानों के लिए उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि इंफॉमेसन को हासिल करना इतना आसान हो गया इन्फॉर्मेशन इतनी फैल गई ख़ास तौर पर मैं इसके इसके बारे में कहूँगा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया जो है इसने इन्फॉमेसन का हसूल आसान कर दिया अच्छा जहाँ हासिल करने वाले के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं वहाँ इन्फॉर्मेशन के नाम पर कोई भी मैसेज जो है वो डिसेमिनेट करने वाले के लिए भी आसानियाँ पैदा आसान कर दी आज कल ऐसे गैजेट्स और ऐसे टूल्स आ गए हैं कि आप एक इन्फॉमेशन क्रिएट करें चाहे वो फैक्ट्स पर मबनी हो या ना हो जी जी आप उसको एक लमहे के अंदर पूरी दुनिया के पास भेज सकते हैं थ्रू ट्विटर थ्रू फेसबुक और दूसरे जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं टेलिंग एनी सोर्स जी जी बिल्कुल बिल्कुल और वो जो एक इसमें ज़रिया होता था इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करने का जैसे मिसाल के तौर पर मीडिया हाउसेज़ क्या काम करते रहे कि वो इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करते थे उसको उसको जी जी वाच डाक का रोल प्ले करते थे वेरीफाई करते थे अब इन्फॉमेशन को वेरीफ़ाई करने का जो अमल है ना वो सुस्त पड़ गया है या कमज़ोर पड़ गया है। अब हुआ क्या है कि बहुत सारी इन्फॉमेशन जो है वो अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन के नाम पे अब उसमें से सच क्या है झूठ क्या है फैक्ट्स क्या है फेक क्या है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है आपने जो इेलीवेंट की बात की है जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि इंसान के पास वक्त ही नहीं बचा कि एक एवरेज डे में इंसान के सामने इंफॉर्मेशन के नाम पर जो जो कुछ आता है वो उसको फ़िल्टर करे उसको अपने अपनी नीड के साथ उसको रेलिवेंट बनाए आपने बात खास की है ख़ास तौर पर इ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की इ रेलीवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस वक्त बहुत बड़े साइज़ में है और इंसानों के लिए ये मसला बन गया है कि वो उसमें से अपने काम की इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कैसे करें और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो मीडिया लिटरेसी और मेरे फील्ड में उसको इन्फॉर्मेशन लिटरेसी कहा जाता है कि ये हम आवाम की करें कि उनको ये पता चले कि अपने काम की इंफॉर्मेशन और अपने से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को किस तरह से मैंने फ़िल्टर आउट करके अपने इस्तेमाल में लाना है अदरवाइज तो ये एक ज़्याँ है वक्त का भी और एनर्जी का भी रिसोर्स का भी अच्छा सर एक जन इन्फॉर्मेशन में जो साइबर uh, आ, आर्मीज अब बन रही हैं एक तो ट्रेडिशनल आर्मीज़ हैं अब साइबर आर्मीज जो मुख्तिक कंट्रीज ने बनाई हैं और लाखों लोगों को भर्ती किया है और पाकिस्तान की इस वक्त उसमें कोई मुझे कोई ऐसा मेकनिजम नज़र नहीं आ रहा तो आपके जहन में कोई ऐसी तजवीज़ है कि इस तरफ भी आया जाए जी देखें ये जो इन्फॉर्मेशन का दौर है ना आजकल का तो इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन वार कि इफॉर्मेशन की मदद से आजकल जंगें लड़ी जा रही हैं जिसको फिफ्थ जनरेशन वार भी कहते हैं इन्फॉर्मेशन का यूज़ या मिस यूज़ करके आप जंगें लड़ रहे हैं और सारी दुनिया की जो आर्मीज़ हैं वो इन्फॉर्मेशन वार की तरफ आगे हुई है पाकिस्तान में हमें ये फील होता है कि पाकिस्तान में अभी हम कमज़ोर हैं इस मामले में और जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो इस वार में आगे निकल गए हैं और आज जो बयानियाँ बनाना उस बयानी को आगे आगे कन्वे करना और उसके असरा को समेटना ये एडवांस कंट्रीज़ के लिए तो पॉसिबल है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की जैसे हम जगफियाई सरदों का उनका तहफ़ करते हैं उसी तरह से पाकिस्तान की जो नज़रियाती सरदें हैं उनका तहफुज करने के लिए ज़रूरी है कि हम इंफॉर्मेशन वहाँ इसके लिए एक दूसरी टर्म इस्तेमाल होती है इंफॉर्मेशन ऑपरेशन इंफॉर्मेशन ऑपरेशन भी हम अपने इदारों में पढ़ाएँ और अपनी नई नस्ल को सिखाएँ कि इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में एक जंग जो है वो कैसे लड़ी जाती है अच्छा सर एक बड़ी कामयाबी अभी मिली भी जो यूरोपीय यूनियन में मेरा एक दोस्त ही था लूसर साहब उन्होंने वो पकड़ी जो फेक थी उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई थी तो आप कोई ऐसा एज अ प्रैक्टिशनर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिशनर और वन ऑफ द बिग गन् तो आप क्या तजवीज़ देंगे कि किस तरह से ये चीज़ें जो है ज़ाहिर है बहुत बड़ा बजट भी इसमें चाहिए और लेटेस्ट जो गैजेट्स हैं वो भी रिक्वायर्ड uh, हैं तो हाउ कैन वी कोप अप विद दिस ऑफ सिचुएशन जी देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमें मेरा ख्याल है डरना नहीं चाहिए हमें खुल के बात करनी चाहिए यूरोपियन यूनियन में जो, जो जो पकड़ा है इंडिया का नेटवर्क था और इंडिया का जो नेटवर्क है वो अगेंस्ट पाकिस्तान एक्टिविटीज़ कर रहा था तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे आपने देखा कि जैसे वो काम कर रहे थे वैसे पकड़ने का मेकनिज़म भी इस वक्त दुनिया में मौजूद है एक तो ये है कि फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले को उन उनका हम एहतस भी कर सकते हैं इस वक्त ऐसे टूल्स ईजाद हो गए हुए हैं कि जिनकी मदद से हम उनको पकड़ भी सकते हैं दूसरा आपने कहा इसमें इस कोई शुबा नहीं है कि इसमें पैसा भी खर्च होगा एक रकम इसके लिए चाहिए लेकिन आपकी जब जंग हो वो जंग जिस अंदाज़ की भी हो अगर आपके मुल्क को तबाह करने के लिए कुछ क़तें जो हैं वो पैसा ख़र्च कर रही हैं तो मेरा ख़्याल है कि हमारी सोसाइटी को भी इस काबिल होना चाहिए आगे बढ़ के कि पैसा खर्च करने की ज़रूरत है तो पैसा खर्च करे इसके साथ साथ अगर वक्त और एनर्जी और जो टाइम चाहिए इसके लिए मैन पावर चाहिए तो हम आगे बढ़ के और मैं ये मैसेज जो है वो अपनी फोर्सेस को भी देना चाहता हूँ वहाँ पे किसी हद तक इसका एहसास है भी कि हम सारे हम सारे मिल के अपने बजट का एक हिस्सा मुख्तस करें और जो आज के दौर की लड़ाई है ना उसको आज के दौर के टूल से लड़ा जा सकता है आप पुरानी तोपों से नई तोपों का मुकाबला नहीं कर सकते अगर आज इंफॉर्मेशन वारफेयर है तो आपको इसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी है अदरवाइज क्या होगा कि आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे और आप शिकस्त खा जाएंगे अच्छा सर आप बड़ा अच्छा लगा आप इससे हम बड़े मुस्तफ होंगे आपकी एक्सपर्टीज़ से तो थोड़ी सी बात आपकी इंटरनल करने मुदसर फूल साहब बताते हैं आपका जब गायबाना बातें के सीधी लाइन पर तो आपका क्या स्कूल ऑफ थाट है मैनेजमेंट में आप क्या समझते हैं कि किस तरह का जो वो एक एग्जीक्यूट एक करना चाहिए चीज़ों को देखिए जी मैनेजमेंट के बारे में मेरा स्कूल ऑफ थाट ये है कि मैनेजमेंट एक स्किल का नाम है और ये जो स्किल है ना इस स्किल का कोई ताल्लुक़ नहीं है ना टीचिंग के साथ ना रिसर्च के साथ इसकी अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए इसकी अलग से रिहर्सल होनी चाहिए इसके लिए कुछ गॉड गिवन सलाहित भी होती हैं इंसान की और कुछ को वो पॉलिश भी कर सकता है तो मैंने देखा है बड़े अच्छे टीचर जो हैं वो मैनेजमेंट में फ़ेल होते, होते देखे हैं मैंने बहुत अच्छे रिसर्चर जो हैं वो मैनेजमेंट में फ़ेल होते देखे हैं तो मैनेजमेंट का एक अलहदा एक सिस्टम है तो मेरा ये ख्याल है कि हम अलहमदल् अपनी यूनिवर्सिटी में हमने एक तरीका रखा है कि हमारे सीनियर्स भी जूनियर्स भी और डिफरेंट कमेटीज़ में मिल के काम करते हैं और हमारा जो यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट का मॉडल है वो एक मशावरती मॉडल है इसमें इसमें कोई एक शख्स जब फैसले नहीं करता मसलन वाइस चांसलर फैसले नहीं करता हमारी सिंडिकेट है सेनेट है डिफरेंट लेवल की बॉडीज़ हैं uh, हाँ था है। तो इसमें होता क्या है कि जब आप कंबाइंड काम करेंगे तो उसमें बहुत सारे जहन जो जब इकट्ठे बैठ के सोचेंगे और किसी भी काम की जो खूबियाँ खामियाँ हैं उन सारियों को सामने रख के फैसला करेंगे तो मैं इसको बेस्ट मॉडल समझता हूँ किसी एक इंसान को आप अकेले कुल ना समझें मिल के फैसले करें और कमेटीज़ की सूरत में करें इसका हमने कामयाब तजर्बा किया है ख़ुद मेरे सामने ऐसे ऐसे कई वाक़ हुए हैं कि मेरा जहन कुछ और कह रहा है लेकिन जब मैंने मशवरा किया कमेटी से तो उससे बेहतर ऑप्शन सामने आ गई है और हमने उस काम को बेहतर तरीके से किया है अच्छा सर अगर मैं क्योंकि लोकल हूँ तो ये मेरा घर है तो मैं खुद तारीफ करूँ अपने डीजी की तो या कोई जुमले कहूँ तो वो ज़रा थोड़ा सा व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट आर डीजी? जी देखें आपने खुद ही कह दिया कि अपने घर के अंदर जब यहाँ बैठ के तो हम कैसे जो है वो तारीफ़ करें है तो ये मुश्किल काम लेकिन मेरी एक बात आप ख़ास तौर पर रिकॉर्ड करें कि किसी के अच्छे काम की तारीफ़ करना उसकी हौसला अफजाई करना ये वो कम अज़ कम लेवल है कि जिसके ज़रिए से आप उस अच्छे काम में अपना हिस्सा डालते हैं ये काम तो आज हमें करना चाहिए कि जब एक शख्स अच्छा काम कर रहा है तो हम अगर बाकी उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो ये कम अज़ कम हेल्प है और ये ऐसी हेल्प है जिसमें ना आपका पैसा खर्च होता है ना आपकी कोई तोानाई खर्च होती है ना ज़्यादा वक्त लगता है तो प्रेस्ट मैंने प्रेस्ट मैंने इसका तजर्बा किया है कि थोड़ी सी जो शाबाश है वो बड़े बड़े रिज़ल्ट है वो ले आती है तो आए हम सारे मिल आज इस बात का तहिया करें के अच्छे काम में जो हमारी कम अज़ कम कंट्रीब्यूशन है वो हम जरूर करें अच्छा सर यहाँ पर ना दो हज़ार तकरीबन आठ में या दस में मैं इस काम का डिपार्ट शुरू किया मेरा जो एक पर्सनल मेरी रिक्वेस्ट है जो अब मीडिया के लोगों के आपने मीडिया सर यहाँ पर इतना पॉजिटिव रहा है कि एक सिंगल खबर भी आज तक थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम तो आती होंगी एक सिंगल ख़बर भी मीडिया ने कभी नहीं कि इस वजह से कि हमें एक बड़ी बड़ी नहमत मिली हुई है तो हमारी वजह से ये ज़ाया ना हो जाए तो साफियों की डिमांड है कि मैथ्स काम डिपार्टन जान यहाँ शुरू किया जाए तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी देखें मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैथ्स काम डिपार्टमेंट बी यहाँ खुले इसके अलावा बहुत सारे साइंसिस के डिपार्टमेंट्स ऐसे मतलब मेरी ख्वाहिश है कि फार्मेसी का शोबा यहाँ खुले फार्मेसी के शोबे में हमारे प्राइवेट जो कॉलेजेज़ हैं उन्होंने हमसे फिलेशन ली हुई है गुजरा माला के अंदर भी ली हुई है हमारी शदीद ख्वाहिश है कि इस तरह के सब्जेक्ट्स हम यहाँ पढ़ाएँ इस वक्त हम डेढ़ सौ से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं मेन कैंपस में यहाँ हम कई डिपार्टमेंट्स खोलना चाहते हैं लेकिन यहाँ मसला क्या है कि यहाँ इस वक्त जो जगह है और जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से आकुपाइड है अगर एहलियन गुजरंवला हमारे लिए जगह और बिल्डिंग का एहतमाम कर दें देखें यूनिवर्सिटी के हालात ऐसे नहीं है कि हम नई बिल्डिंग तमीर करें या नई जगह लें अगर गुजरा वाला के लोग हमारे लिए कोई बिल्डिंग का इंतजाम कर दें कहीं भी शहर में इस कैंपस से चाहे दूर हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इन जो डिपार्टमेंट आप लोग ज़रूरत महसूस करेंगे सबसे पहले हम वहाँ पर वो डिपार्टमेंट खोलेंगे बहुत शुक्रिया सर और सर आपने जो है ना वो एक कोऑर्डिनेशन का सिलसिला जो शुरू किया है जो है ना वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का तो इसके इनशाला अच्छे रिजल्ट्स जब वो इनशाला निकलेंगे और बुजरह के जो शहरी हैं वो मोर मोरद ईगर हैं कि हम इस कार्य खैर में हिस्सा जो डालें उसकी मिसाल आपने ये मस्जिद जो देखी है बिल्कुल तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जी देखिए मस्जिद हमारे एक ग्रेजुएट ने बना के दी है और मैं सलाम पेश करता हूँ उस ग्रेजुएट को कि यहाँ का स्टूडेंट था उसने कहा जी सारी मस्जिद का ख़र्चा मेरे जिम्मे आपको मस्जिद बनी बनाई मिल जाएगी एक बहुत बड़ी ज़रूरत जो इस कैंपस की थी उसने पूरी की है और मैं पूरे दिल से यह समझता हूँ कि गुजरा वाला में एक से बढ़ के एक मुख्य हजरात हैं अगर हम यहाँ पर ख़दमत करने पर आएँ इस कैम्पस की या इस यूनिवर्सिटी की तो गुजर वाला से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें मायूस नहीं करेंगे आ, तो नाजिन ये थे आ, वी सी पंजाब यूनिवर्सिटी और आ, बड़ी पुर इन्होंने बातें की हैं इन इनसे गाहे ब इनसे जना वो हम यू के नाजिन के लिए बात करते रहेंगे आ, अब इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफिज़